Shipra Anand. I'm into the design field, and in my own humble way, I've been contributing to design. और चिकनकारी पे भी थोड़ा बहुत दखल रखा है. और शुरू करने से पहले मैं माननीय ग्वाल साहब, सिनी सिंह साहब एंड मिसेस त्रिपाठी, जयश्री जी, उषा जी, सबका अभिनंदन करना चाहूँगी. एंड बेसिकली हम डिज़ाइनर्स की शुरुआत बातचीत की डिज़ाइन के ज़रिए ही होती है. और जो हमने यहाँ बात की कि इस कॉन्फ्रेंस का जो मोटिव है वो है चिकनकारी एज एन एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड चैलेंजेस. दिस इज व्हाट द होल पेरिफेरी ऑफ डिस्कशन इज. इसी के मद्देनजर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो कि मेरी ऑब्जर्वेशन है इस बारे में. तो जब हमने बात की कि चिकनकारी आर्ट, क्राफ्ट एंड चैलेंजेस, तो उसमें सबसे पहले एक सवाल आ जाता है, आर्ट क्या है? व्हाट इज आर्ट? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? कि जब हमने आर्ट यूज किया और हमने फिर उसको क्राफ्ट वर्ड यूज किया, तो हमने चिकनकारी को एज एन आर्ट कब देखना शुरू किया? इस पे एक चिंतन की बात है. आर्ट जहां तक हम लोग समझते हैं, आर्ट कोई भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो कि क्रिएटिव वेंट है किसी भी आर्टिस्ट के अंदर का, जिसका मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है. आप पेंटिंग के जरिए आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप क्राफ्ट के जरिए वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप स्कल्पचरिंग के जरिए कर सकते हैं. तो आर्ट क्रिएट, राइटिंग एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट, जिसमें कि आप थिएटर, डांस, ड्रामा, सिंगिंग, एवरीथिंग इज एन आर्ट. पॉइंट इज कि वो आर्ट से क्राफ्ट या डिजाइन या कमर्शियल कब हो जाता है. वहां पे सारी जितनी भी डिस्कशन और चिंतन है वो वहां से शुरू होता है. क्योंकि जब तक कोई चीज आर्ट है, एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट है, तब तक उसमें चिंता की कोई बात नहीं है. क्योंकि एक एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट एक इंडिविजुअल चीज होती है. हर आर्टिस्ट अपना अपना एंटाइटल्ड होता है एक्सप्रेशन के लिए. जरूरी नहीं है कि हर कोई उसके एक्सप्रेशन से इत्तेफाक भी रखे. हो सकता है कि हम में से चंद लोग उससे इत्तेफाक रखते हो सकता है आधे लोगों को वो उसका स्टोरी लाइन ही नहीं समझ में आए, क्योंकि आर्ट एक स्टोरी को डिपिक्ट करता है. और एक क्राफ्ट को हम आर्ट के निगाह से तब देख सकते हैं. व्हेन डज अ क्राफ्ट बिकम एन आर्ट? कैन अ क्राफ्ट बिकम एन एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट? That is another question, and which of course it can. When does a craft become an expression of art? When we apply those technicalities of craft into any kind of poetic expression to give your creativity a vent, which can tell a story, which can arise emotions, which can contemplate and reflect on any issue. That is where the factor of आर्ट लाइज. कोई भी क्राफ्ट आर्ट तब बन जाती है जब उस क्राफ्ट को सिर्फ उस इट इज अप्लाइड ओनली फॉर द श्योर लव ऑफ इट. आप उससे एक ऐसा स्पेसिमेन, एक ऐसा सैंपल क्रिएट कर रहे हैं जो कि सिर्फ उसके उसकी खूबसूरती के इजाफे के लिए कर रहे हैं. आप उसकी प्रेजर्वेशन के लिए कर रहे हैं, आप उसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए कर रहे हैं, तब आप एक क्राफ्ट को आर्ट का नाम दे देते हैं. और जब तक वो क्राफ्ट आर्ट के नजरिए से देखी जा रही है, क्योंकि आर्ट जो है वो लाइक चिकनकारी, डेफिनेटली इट बिगैन एज एन आर्ट. आप लोगों ने अभी पास्ट ऑफ चिकनकारी के बारे में भी जिक्र सुना है, बातचीत सुनी है. तो बेसिकली जितने भी कनोइजर्स ऑफ आर्ट रहे हैं, स्पेशली हमारा लखनऊ इस मामले में बहुत रिच है. आज भी इतने सारे लोग हैं जो इसके लिए चिंतित हैं, इसके लिए काम करते हैं. तो कोई भी क्राफ्ट जब बहुत मेहनत से, वक्त लगा के, एक्सक्लूसिविटी के साथ, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को रखते हुए जब हम कोई सैंपल क्रिएट करते हैं, तो हम उसको वर्क ऑफ आर्ट बोलते हैं. इसमें चिकनकारी की कोई भी सानी नहीं है चिकनकारी का. क्योंकि
चिकनकारी उन चंद क्राफ्ट्स में से है जो कि बहुत ही ज्यादा डेप्थ रखती है। ये बात हम और आप सब वाकिफ है कि स्टिच वैरायटी और स्टिच डेप्थ जितनी चिकनकारी में है वो बहुत कम क्राफ्ट्स में है। हर क्राफ्ट की टेक्निकलिटी एक सर्टन लिमिटेशन में होती है, चिकनकारी की भी है, लेकिन चिकनकारी की जो डेप्थ है उसको एक्सप्लोर करना वो एक अपने आप में एक चैलेंज है। जो कि इस समय अगर हम कमर्शियलाइजेशन ऑफ चिकन की बात करें तो बहुत कम स्टिचेस हैं, जैसे हम रिवर्स शैडो है, मुर्री है, कील कंकन है, चार पांच स्टिचेस हैं जिनको बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज कमर्शलाइज फॉर्म ऑफ चिकन। वहीं पे अगर हम ये देखते हैं कि आर्ट फॉर्म में अगर हम चिकनकारी को देखते हैं तो जब हम पुराने जितने कारीगर हैं, पुराने जितने हमारी धरोहर है चिकन की, उसमें अगर हम देखें तो पूरी कोशिश होती थी कि एक मोटिव के अंदर कितने टांके डाल दिए गए, कितने सफाई और छोटे छोटे टांके डाले गए हैं, और उसमें ज्यादा जो पेन लिया जाता था एक रुखी चिकन का कि पीछे की तरफ चिकन नहीं देखता था, वो सारी चीजें वो आर्ट है जो हम चिकनकारी को एज एन आर्ट एक्सप्लोर करने की बात करते हैं। जहां उसमें हम कमर्शियल डायमेंशन ऐड कर देते हैं और कब एक वर्क ऑफ आर्ट एक क्राफ्ट एक डिजाइन में तब्दील हो जाता है, कब एक प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, वो जो लाइन है उसका एहसास भी बहुत जरूरी है। क्योंकि कब एक आर्ट प्रोडक्ट एंड वायबल हो जाती है वो तब जब हम उस ब्यूटी एंड पोएटिक एक्सप्रेशन जो है उसके हम फॉर्म को, उसके सिलुएट को, मटेरियल को, टेक्सचर्स को, कलर्स को, सरफेस ऑर्नामेंटेशन को, एंड सबसे ऊपर उसकी फंक्शनैलिटी को, द मोमेंट वी ऐड द टर्म फंक्शनैलिटी टू दैट वर्क ऑफ आर्ट वी हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट। और वहां से हमारी सारी चिंताएं शुरू हो जाती हैं। जब तक चित्रकारी एक एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट है, हमारी सिर्फ इतनी चिंता है कि हम कितनी खूबसूरती से कितनी वैरायटी स्टिचेस के हम एक मोटिव में असिमिलेट कर लें, हमारी चिंता सिर्फ वहां तक है। लेकिन जहां हमने उसके अंदर एक फंक्शनल एंड कमर्शियल वायबिलिटी का फैक्टर ऐड किया, जहां पे वहीं पे जहां हमने आज की बात की है, और जब हम उसमें उस आर्ट की फॉर्म को, कोई भी चीज हम जब चिकन में बना रहे हैं और तब जब हम उसमें एक मकसद डाल देते हैं, एक बेचे और खरीदे जाने का आयाम डाल देते हैं, जहां उसमें व्यापार आ जाता है, वहीं पे हमारी सारी चिंतन मनन शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने आ जाते हैं। अगर हमें आर्ट कमर्शलाइज करना है तो फिर हमको बहुत सारी चीजों को लेके चलना है, जो कि जिसका मकसद मतलब हो जाता है मार्केट डिमांड्स, करंट ट्रेंड्स, कॉस्ट एस्टिमेशन, देन प्रोडक्शन। एक वर्क ऑफ आर्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक कारीगर है जिसने अपना खून पसीना लगाया है, महीनों लगाए हैं, वो पीस क्रिएट होता है। बट अगर हम कमर्शियलाइज पीस की बात करते हैं तो वो प्रोडक्शन में जाता है। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास जो वर्कफोर्स है उसमें सबके हाथ में समानता हो, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम चिकनकारी को एज एन आर्ट प्रिजर्व करना चाहते हैं और उसमें भी उसके बाद हम उसको मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक तो ये है कि हम वर्कफोर्स तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो वर्कफोर्स की जो नॉलेज बैंक है स्टिचेस के मामले में वो बहुत लिमिटेड हो रहा है। आप ज्यादातर अगर आप कमर्शियल चिकन देखते हैं, जितना हम बेचा खरीदे जाने वाला चिकन देखते हैं, व्यापारी चिकन देखते हैं, उसमें हमको आजकल बखिया, सीधी उल्टी दोनों, और मुरली, धनिया पत्ती, घास पत्ती और कील कंगन, ये पांच छह स्टिचेस हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। आज के टाइम में जाली कई बार वैल्यू एडिशन के नाम पे जाली की जगह पे मुकेश डाल करके उसको ब्लिंकी कर दिया जाता है, उसको बहुत हाई वैल्यू कर दिया जाता है, लेकिन उसका नतीजा ये हो रहा है कि जाली की एक्सप्लोरेशन कम हो रही है हमारी। ये भी एक चैलेंज है जब हम चिकन को कमर्शलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक चैलेंज है जिसको देखना होगा। एडवांटेज चिकन को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलने से बहुत बड़ा एडवांटेज मिला है,
ये अब हमारी धरोहर हमारे पास है, बट अब उस केस में हमको स्ट्रक्चरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज अब इसमें जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं वो सब हमारे एरिया के लिए हैं। हम इस बिजनेस को लूज आउट नहीं करेंगे कहीं और के लिए, बट उस केस में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम नए डिजाइंस को इनकॉर्पोरेट कर सके जो हमारे कारीगर है, क्योंकि जो हमारे चिकन के कारीगर है वो टांकों में माहिर है, लेकिन उन टांकों का प्लेसमेंट की मोटिव की जो भी कुछ अभी आपसे पहले जो बातचीत हो रही थी उसमें हम लोग ब्लॉक मेकिंग की भी बात जिक्र ला रहे थे कि ब्लॉक मेकिंग पे एक्सप्लोरेशन भी जरूरी है और ये बेहद जरूरी है। और सिर्फ ब्लॉक की एक्सप्लोरेशन जरूरी नहीं है, उसको प्लेसमेंट की एक्सप्लोरेशन भी जरूरी है, उसके लिए भी थोड़ा सा हमको ख्याल रख करके उसमें प्लेसमेंट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि जिसपे थोड़ा कम काम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जितना मैंने गैदर किया, हम लोग उस पॉइंट की भी बात कर चुके हैं जो मेरे इस प्रेजेंटेशन में जिक्र है, जिसका वो है कि CMT हमारी पैटर्न मेकिंग, कटिंग, फिनिशिंग, स्टिचिंग, टेलरिंग, कट मेक ट्रिम जो है हमारा, वो हर जगह उतना साउंड नहीं है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है चिकन की इंडस्ट्री में, क्योंकि कारीगर बहुत है, चिकन बनाने वाले बहुत हैं, लेकिन बहुत हाई वैल्यू स्टाइलाइज्ड एंड प्रॉपर फिट जो है वो आपको जो एक्चुअल डिजाइनर वेयर में मिलता है वो आपको रेगुलर मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत कम जगह ऐसी है जहाँ पे आपको ये चीज रेडली मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी, अदरवाइज आप या तो बनवाते हैं कस्टमाइज करके या फिर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं जो अवेलेबल होता है। तो इस चीज पे भी एक फैक्टर है जिसपे हमें वर्क करना पड़ेगा, CMT पे, सिलोवेट्स की एक्सप्लोरेशन पे, एंड डेफिनेटली फैब्रिक पे हम लोगों ने बहुत काम किया है। इस समय फैब्रिक की अडेप्टेशन बहुत अच्छे से हुई है मार्केट में, इसको ये बहुत अच्छी न्यूज है, बिकॉज पहले जो हम लोग सिर्फ लिमिटेड फैब्रिक यूज करते थे उसमें बहुत एक्सप्लोरेशन आई है, गुड न्यूज। लेकिन उसकी वजह से अब टॉपिकल चिकन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, चिकन की जो खूबसूरती है, जो एक बखिया की जो खूबसूरती है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्योंकि हमने फैब्रिक में एक्सप्लोरेशंस की है, बट वो तो मार्केट की डिमांड को लेकर करना ही पड़ेगा। बट सिलोवेट एंड CMT ये दो चीज है जिन पे बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, ब्लॉक प्लेसमेंट की अटेंशन की जरूरत है और फ्रेश ब्लॉक्स की अटेंशन की जरूरत है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिन पे मुझे लगता है कि हम लोग को अभी भी काम करते रहना होगा। देन वैल्यू एडिशन की जहां तक बात है, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन एक कॉन्सेप्ट है जिसपे हमेशा चर्चा होती है और उस पर काम भी हो रहा है कि पहले चिकन खाली क्लोथिंग में ज्यादा फोकस था, होम फर्निशिंग्स में भी अब चिकन काफी है, एक्सेसरीज में भी चिकन का एप्लीकेशन देख रहे हैं और इसको और बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि एक्सेसरीज का मार्केट बहुत ग्रोइंग मार्केट है। सो एप्लीकेशन, अगर हम चिकनकारी को एक्सेसरीज में अप्लाई करें और ज्यादा उस पर फोकस करें तो वो एक ऐसा मार्केट है जो कि बहुत इजीली टैप किया जा सकता है और वो मार्केट यूथ को भी बहुत अपील करता है क्योंकि यंग गर्ल्स के लिए एक्सेसरीज जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट इजी होता है एंड एक्सेसरीज उतना ज्यादा एक हाई वैल्यू गार्मेंट के अगेंस्ट एक हाई वैल्यू एक्सेसरीज में इन्वेस्टमेंट एक बेटर इन्वेस्टमेंट टर्म किया जाता है। तो ये एक मेरी सजेशन है कि अगर हम एक्सेसरीज की मार्केट को भी चिकन के एप्लीकेशन में कंसंट्रेट करेंगे तो वो एक नया रोड मैप होगा। देन जो एक कंसर्न्स की जो हम बात कर रहे थे वो है क्वालिटी कंट्रोल। जब भी हमारा चिकन मार्केट में ऐसे जाता है हर कारीगर का हाथ सेम नहीं होगा, वो तो माने से बात है, यही खूबसूरती होती है हैंडीक्राफ्ट की, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी चेक पे ध्यान रखना भी जरूरी है क्योंकि जितना कमर्शियल चिकन है उसमें लोग बस टांके पूरे करने वाला जो एक एटीट्यूड होता है उसको थोड़ा सा उस पर भी मेंटल मेकअप करना जरूरी होगा। दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज द मेन पॉइंट एंड ऑफकोर्स प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टिचेस इज इम्पोर्टेंट, दैट इज देयर and that is all that I think I have just spoken जो हमारे उसमें presentation में है जिसमें हमारे जो concerns हमें जो नजर आए वो हमने आपके आगे रखे and I think this is all I have to say. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया शिप्रा आनंद जी कि आपने इतना हम लोग को knowledge दी
और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री एन एम मजूमदार साहब, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और कैन वी हैव अ ब्रेक फॉर द लंच नाउ मैम, आई थिंक नाउ 1 बजे। अच्छा भोजन का समय हो गया, लेकिन चिकन के बारे में मुझे कोई बहुत व्यक्तिगत जानकारी भी नहीं है, कोई मेरी विशेषज्ञता एक्सपर्टीज भी नहीं है, परंतु मुझे लगता है कि कुछ सामान्य वस्तु हैं जिनको हम नजरअंदाज कर रहे हैं, और ये है चिकन वर्कर्स की वेलफेयर, टोटल वेलफेयर एंड देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आमदनी बढ़ाना एक जरिया है, उनको पूरा रोजगार मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयड नहीं रहने चाहिए, महीने में 25 दिन रोज 8 घंटे का समय के लिए उनको काम मिलना चाहिए। ये सब बातें अपने स्थान पर है, परंतु जो आमदनी होती है उस आमदनी को कैसे डिप्लॉय की जाए, कैसे उपयोग किया जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। आमदनी में जितने घंटे काम करते हैं वो तो अपने स्थान पर है, लेकिन जिसको इकोनॉमिक्स में प्राइस स्प्रेड कहते हैं, ग्राहक जो पैसे देते हैं उसमें से कितने पैसे आर्टिजन को बांटते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ग्राहक जो पैसा देता है और आर्टिजन को पैसा मिलता है, उस बीच के जो पैसे हैं ये प्राइस स्प्रेड कहलाता है, जो कि मिडलमैन को चला जाता है। मैं जो टोटल वेलफेयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता हूँ, जैसे उनकी आमदनी होती है, सेविंग्स करते हैं कि नहीं, वो सेविंग्स को वो कैसे डिप्लॉय करते हैं, सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, इसके बारे में भी उनको क्राफ्ट काउंसिल या इन संस्थाओं से मार्गदर्शन मिलना चाहिए। कई चैलेंजेस होती हैं, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू एवरी चैलेंज। जैसे एक उल्लेख ये हुआ था कि बारीक काम करते हैं, उनकी आंखों की रोशनी उससे प्रभावित होती है, और एक आयु सीमा पहुंचने के बाद उनको उनके लिए कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। क्या जो संस्थाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन संस्थाओं ने ऐसी कोई व्यवस्था की है कि हर साल 2 साल के बाद उनकी आंखों का परीक्षण किसी नेत्र विशेषज्ञ से हो? क्राफ्ट काउंसिल ने हमेशा से किया है, या जो उनकी जनरल हेल्थ है? नहीं, मैंने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कुछ सुझाव दे रहा हूँ, किया है तो ये बहुत ही सराहनीय है। और जनरल हेल्थ के बारे में भी उनका कोई ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है, या कोई किसी और प्रकार का उनका ग्रुप इंश्योरेंस है जिससे कि उनको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले? अंत में जो हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण, आमदनी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें, लेकिन एजुकेशन का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जहाँ महिलाएं अधिक शिक्षित होती है वहाँ पर उनका सशक्तिकरण भी अधिक होता है। आप क्या अपने जो आर्टिजन्स हैं उनमें
जिससे कि वो स्वयं कई मामलों में निर्णय लेने के लिए योग्य हो जाए। महिला सशक्तिकरण में कई और बातें भी आती हैं, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप लोग इतने बच्चों से एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो मुझे व्यक्तिगत जानकारी बहुत ही सीमित है। कई क्षेत्रों में आपने जैसे बताया कि उनके विजन का नियमित रूप से परीक्षण कराया जा रहा है, लेकिन कई और बातें भी होंगी जिसमें कि शायद आपको उनको मार्गदर्शन देने की जरूरत है। एक बात जैसे मैंने आपको बताई कि उनको जो आमदनी होती है, उनकी सेविंग्स होती है, बचत होती है, वो बचत को वो कैसे इन्वेस्ट करें, उसके पर विषय में उनको कोई मार्गदर्शन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, या उनकी टोटल हेल्थ, उसके बारे में जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस कराया जा रहा है नहीं कराया जा रहा है, या और किसी प्रकार का इंश्योरेंस जो संभव हो इसकी बस दिशा में सोचा जा रहा है नहीं सोचा जा रहा है। अंत में संक्षिप्त में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस वर्ग में आप काम कर रहे हैं, जिसके उत्थान के लिए, प्रगति के लिए काम कर रहे हैं, उनकी टोटल वेलफेयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों के विषय में एक प्लान बनाना जरूरी है, और इस विषय में जो जो चैलेंजेस हैं, जो जो चुनौतियाँ हैं, उनको रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद श्री मजूमदार जी। जैसा कि सर ने हमें बताया कि चिकनकारी के जो आर्टिजन्स हैं उनके वेलफेयर, उनकी हेल्थ और उनकी आइस चेकिंग के लिए या फिर जो भी उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है तो उसके लिए लोग नहीं सोचते हैं। तो अब मैं इनवाइट करूंगी मिस्टर सीबी सिंह जी को।